चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 21.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, दिए गए आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग जो भाग रंगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 में कि जो यहाँ पे नीले रंग से रंगा हुआ है बच्चा, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे नीले रंग से जो रंगा हुआ है उसे देखें तो यहाँ पे इसकी कोई आकृति नहीं है, ठीक है? या ना तो हम इसे आयत बोल सकते हैं, ना ही इसे हम वर्ग बोल सकते हैं, ना ही हम वृत्त बोल सकते हैं। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस चित्र में देख सकते हैं बच्चा कि इसमें दो यहाँ पे चित्र हैं, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरा आयत है और अंदर में एक वृत्त बन रहा है। यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो जो बचेगा वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्या आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद है? वेरी गुड। तो चलिए बच्चा, हम इसे इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से हम वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कर दें घटा देंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर 18 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मान 7 मीटर है। तो सभी प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे मान को रखते हैं और इसे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बच्चा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बात करूँ मैं आयत की, तो आयत की लंबाई दे रखी है 18 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, तो 18 × 14 होगा। माइनस करना है वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लिखते हैं। आर आर यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर है, तो 7 × 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए यह 7 से यह 7 कट गया। अब यहाँ पे गुना करते हैं, 18 की गुना 14 से करेंगे तो आएगा 252। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 22 की गुना 7 से करेंगे तो आएगा 156। 252 में से 156 को घटाइए, तो 252 में से 156 को घटाएंगे तो आएगा 98। तो 98 मीटर स्क्वायर यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आपको यह इकाई जरूर ध्यान रखना है बच्चा कि यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई दे रखा है वो किस में दे रखा है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। यदि यहाँ पे सेंटीमीटर लिख रखा होता तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे 98 मीटर स्क्वायर इस छायांकित क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है? कैसे किया हमने? हमने पहले आयत का क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देखिए पहले चित्र को समझते हैं, चित्र में कौन कौन सी आकृति है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यह जो इसकी जो लंबाई वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से लेकर 10, यहाँ पे भी 20 है। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। तो किस आकृति की प्रत्येक भुजा बराबर होती है? वर्ग की। तो यह एक वर्ग है, ठीक है? पहली बात हमें समझ में आ गई कि यह जो बाहर में बन रहा है वह एक वर्ग है। अब हम वर्ग में क्या यहाँ पे माइनस करें? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा कि यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, जो इसे हम नाम दे लेते हैं पहले ए बी सी डी, एक वर्ग है। इस बिंदु का भी नाम दे लेते हैं ई एफ। अब यहाँ पे बात करें तो ए बी सी डी यह एक वर्ग है, ठीक है? और यहाँ से बात करें तो ए ई बी यह जो भाग है, इतना भाग, वह एक त्रिभुज है। यहाँ से बी सी एफ यह भी एक त्रिभुज है, और डी ई एफ यह भी एक त्रिभुज है। तो हम यदि इस
वर्ग का क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल को जोड़कर माइनस कर दें तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, अब हम इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को योग करके हमें इसमें घटाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ए, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी ई, यहाँ पे ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस डी ई एफ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा गुने भुजा, तो भुजा गुने भुजा लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एक बट्टे दो आधार गुने ऊंचाई, तो ए बी ई का भी वही होगा, सी एफ बी का भी वही होगा, डी एफ का भी वही होगा, तो लिख लेंगे एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई प्लस एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई प्लस एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक हमने तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र को लिख लिया। अब भुजा कितना दे रखा है, वर्ग ए बी सी डी का प्रत्येक भुजा दे रखा है 20 है, तो 20 गुने 20 होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस की चिन्ह होगा। अब सबसे पहले ए बी का क्षेत्रफल एक बट्टे दो आधार गुने ऊंचाई लिख लिया हमने, तो एक बट्टे दो का एक बट्टे दो लिखिए, ए बी ई इसमें आधार क्या है, आधार यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो 20 गुने 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से एक बट्टे दो लिखेंगे। अब सी एफ बी में देखेंगे हम, सी एफ बी इसमें आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो 20 गुने 10 हो जाएगा। अब त्रिभुज डी ई एफ में देखेंगे, डी ई एफ इसमें इसमें आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, तो एक बट्टे दो गुने दस होगा। अब देखिए यहाँ से काट लेते हैं, पहले दो का पहाड़ा में 20 कट जाएगा 10 बार में, फिर यहाँ दो का पहाड़ा में 20 कट जाएगा 10 बार में, दो का पहाड़ा में 10 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ गुना करेंगे 20 की गुना 20 से तो आएगा 400, और यहाँ पे 10 की गुना 10 से 100 प्लस, फिर से 10 की गुना 10 से 100 प्लस 5 की गुना 10 से, तो 5 दहें 50, तो यहाँ पे आया है 400 माइनस 100 जोड़ 100 जोड़ 50। सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ करके 400 में माइनस कर देते हैं। ऊपर में आपने नोट किया होगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर में अब लिखवा दूंगा, यहाँ पे देखिए आप इसके नीचे नोट कीजिएगा, तो यहाँ पे 400 का 400 लिखेंगे, 100 100 200 और 50 250 हो गया, 450 में से 250 को घटा दीजिए आएगा 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या दो का उत्तर होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या तीन यहाँ दे रखा है, आप इसमें देखिए, इसमें जो आकृति है उसमें एक आयत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, और यह जो आकृति है बच्चा वह एक वृत्त का आधा है। ठीक है, वृत्त तो पूरा यहाँ पे गोल होता है और आधा वृत्त बना हुआ है, तो आधा वृत्त को बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो अर्धवृत्त का अर्थ है कि वृत्त का आधा, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसका आधा कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टे दो हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, माइनस करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे दो, अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, तो बट्टे में दो कर देंगे। यहाँ पे आयत की बात करें तो लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो 20 गुने 14 होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अर्धवृत्त की बात करें तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान 22 बट्टे 7 होता है। आर यहाँ पे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यह एक वृत्त का यहाँ पे व्यास भी है और हमें यहाँ पे त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो क्या हम व्यास से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं?
बिल्कुल याद कर सकते हैं। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है, यानी 14 का आधा होगा। चूंकि यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? यह 14 का आधा होगा। 14 का आधा 7, तो आर का मान यहाँ 7 होगा, तो 7 × 7 होगा। अब नीचे में 2 था, तो यहाँ पे 7 के साथ 2 लिख देंगे नीचे में। अब काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, और 2 का पहाड़ा में 22 कट जाएगा 11 बार में। गुना कर लेते हैं, 14 × 2 = 28 और 1 0 यानी 280 हो गया। 11 × 7 = 77। 280 में से 77 को घटा दीजिए, 280 में से 77 को घटाइएगा तो आएगा 203। तो 203 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है। अब इसमें आकृति की पहचान कीजिए। यहाँ पे अब इसमें हमें कोई भी चीज़ घटाना नहीं है, क्योंकि इस पूरे आकृति को यहाँ पे छायांकित किया गया है, रंगा गया है। अब इस आकृति की बात करें तो यहाँ पे आप यह बिंदु को देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह एक आयत बन रहा है, और इधर एक अर्धवृत्त है, आधा वृत्त, और इधर भी एक अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल और दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। आयत के क्षेत्रफल के लिए देखें तो लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह व्यास दे रखा है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 14 का आधा 7 होगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे दो अर्धवृत्त का अर्थ क्या है कि दो आधा वृत्त। यदि हम दो आधा वृत्तों को जोड़ दें तब तो यह एक पूरा वृत्त हो जाएगा। चूंकि त्रिज्या समान है, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर है व्यास और यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो दोनों का जब व्यास बराबर है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दो अर्धवृत्त लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि इन दोनों का व्यास बराबर है। तो चलिए पहले हम लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और 2 का 2 लिखेंगे पहले, यहाँ पे प्लस का प्लस, 2 का 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 से 2 कट गया, आया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हो कि 1 वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप ऐसे ही लिख दीजिए जो लिखाया जा रहा है। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई दे रखा है 20 और चौड़ाई दे रखा है 14, तो 20 × 14 होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर यहाँ पे 14 का आधा 7 होगा, 7 × 7 यहाँ पे 7 से 60 कट गया, 14 × 2 = 28 यानी 280 जोड़ 22 के 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा 154। 280 और 154 को जोड़िएगा तो आएगा 434। तो 434 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है। अब इस आकृति को देखिए, तो यहाँ पे इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसकी भी 14 सेंटीमीटर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यह भी 14 होगा, यह भी 14 होगा, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है, तो यह एक वर्ग है। ठीक है, और यहाँ से बात करें तो इधर एक अर्धवृत्त बन रहा है और इधर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, तो भुजा गुने भुजा होगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 का 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, लिख देंगे, फिर से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यह पाई आर स्क्वायर आ गया। तो वर्ग की बात करें तो भुजा दे रखा है 14, तो 14 × 14 होगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। आर की बात करें तो यह पूरा दे रखा है 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आधा होगा, यानी 14 का आधा 7 होगा, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 14 × 14 से करेंगे तो 196, 22 × 7 से करेंगे तो 154। अब यहाँ पे 196 में से 154 को घटाइए, तो यहाँ 6 में से 4 = 2, 19 में से 15 = 4 यानी 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। नोट कर लीजिए,
प्रश्न संख्या छठा यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक तो पूरा यहाँ पे बड़ा वृत्त है और इसके अंदर एक छोटा वृत्त है। अब हमें क्या करना है, इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो आएगा वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए। बड़े वृत्त की बात करें तो यहाँ पे केंद्र है और यहाँ से परिधि है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की बात करें बच्चा, तो यह पूरा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जो त्रिज्या होगा वो यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, तो यह 14 का आधा होगा यानी 7। तो छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या होगा 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे छोटा आर लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बड़ा वृत्त की त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग, पाई का पाई होगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 का आधा यानी 7, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का पाई लिखिए, 14 का वर्ग होगा 196, तो 196 माइनस का है माइनस, 7 का वर्ग होगा 49, तो 49। वर्ग का मतलब है कि उसी संख्या को गुना कर दीजिए, 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। अब यहाँ पे पाई का मान रखिए, पाई का मान 22/7 होगा, 196 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 147। अब यहाँ पे 7 का पहाड़ा में 147 कट जाएगा, 7 × 14, 7 × 7, 22 × 21, 22 को 21 से गुना कीजिएगा तो आएगा 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां यहाँ दे रखा है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यह भी 8 सेंटीमीटर है, तो यह एक वर्ग है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, यह 8 है तो यह भी 8 होगा, यह 8 है तो यह भी 8 होगा, सभी भुजाएँ 8 सेंटीमीटर की है, तो यह एक वर्ग है और अंदर में एक वृत्त बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, 8 का आधा होगा, क्योंकि या तो व्यास का लंबाई दे रखा है 8, त्रिज्या आधा होगा, 8 का आधा 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, भुजा यहाँ दे रखा है 8, तो 8 × 8 होगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, पाई का मान 22/7, आर क्या होगा, 8 का आधा, क्योंकि 8 जो है बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास है, त्रिज्या इसका आधा होगा व्यास का, 8 का आधा 4, तो 4 × 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए यह तो नहीं कटेगा, गुना करते हैं 88/64 और 22 की गुना करिएगा 8 से तो आएगा 352, 322 की गुना 16 से कीजिएगा तो 52, क्योंकि 4 × 16 होगा, 8 से तो कम हो जाएगा, 22 की गुना 16 से कीजिएगा तो होगा 352, ठीक है, 22 की गुना 16 से 4 × 16 352 हो गया बट्टा 7। अब यहाँ पे इसे भाग कर लेते हैं, 64 का 64 होगा, 352 की भाग करेंगे 7 से तो 7 × 5 = 35, यहाँ पे 2 उतर गया 0.0 यानी 50.28, 50.28 यहाँ पे इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो आएगा, 64 में से 50.28 घटाएंगे तो आएगा 13.72, तो 13.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां दे रखा है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यह प्रश्न में जो इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 7 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, इसको दोनों को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर है, तो यह एक वर्ग है, ठीक है। तो अब अंदर में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चा यह जो दिख रहा है वह वृत्त का, यदि वृत्त के हम लोग 4 भागों में बांटे तो उसका एक भाग है, जैसे यहाँ से एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, यहाँ से
यदि मैं एक वृत्त बना दूं कि यह एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त को मैं यदि चार भाग में बांट दूं यहाँ से, तो यह जो भाग है वही भाग दे रखा है वहाँ पे। अब इस वृत्त में आधा भाग को तो हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, ठीक है, आधा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। लेकिन हम इस इतने भाग को हम क्या बोलेंगे, एक चौथाई, नहीं, इसे हम बोलेंगे बच्चा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। वृत्त का जो चौथा भाग होता है उसे बोलते हैं चतुर्थांश। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4, चार चतुर्थांश दे रखे हैं। तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल में चार चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को योग करके घटा देना होगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चा, तो आपको यदि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आता है तो आप वृत्त से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बना सकते हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बना सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, चार का है, यहाँ चार चतुर्थांश है तो पहले तो चार लिख दीजिए यहाँ पे, संख्या चार। चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसके नीचे चार लगा देंगे तो पाई आर स्क्वायर बट्टा चार। अब यहाँ से चार कट गया तो यह एक आ गया पाई आर स्क्वायर, यानी चार चतुर्थांशों को मिला दे यदि तो यह एक पूरा वृत्त बन जाएगा, यानी पूरा वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया। भुजा दे रखा है यहाँ भी 14 है और यह पूरा 14 है, तो 14 × 14 होगा माइनस पाई का मान 22/7। अब यहाँ पे आर क्या होगा, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, तो यह केंद्र रहा और यहाँ से लेकर यह परिधि ही है तो यह 7 है, तो 7 × 7 होगा, 7 से 7 कट गया। 14 × 14 से करेंगे तो 196, माइनस 22 × 7 से करेंगे तो 154, 196 में से 154 घटाएंगे तो आएगा 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, इस तरह के प्रश्नों को हमने अभी किया था। देखिए यहाँ पे यह एक आयत है और इधर अर्धवृत्त बन रहा है, इधर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देना है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लिख लेंगे, माइनस करना है दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, पहले तो दो लिखिए गुना पाई आर स्क्वायर बट्टा दो, दो से दो कट जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं मान, लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 12 × 4 होगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, पाई का मान 22/7 रखिए। आर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, यानी या तो 2 आ जाएगा तो 2 × 2 होगा। अब देखिए या तो 7 तो नहीं कटेगा, तो 12 × 48 हो गया और 22 × 44, 44 × 88, 88/7 होगा। 88 को 7 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 12.57, तो 48 में से 12.57 घटाइए, घटाने पर यहाँ पे आएगा 35.43, तो 35.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। चलिए अंतिम प्रश्न को करते हैं। अंतिम प्रश्न यहाँ दे रखा है जिसमें से यह एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक आयत बना हुआ है। आप इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तो ले रखा है 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो 5 सेंटीमीटर लिख रखा है। तो बच्चा जो 5 सेंटीमीटर लिख रखा है वो यहाँ से केंद्र से इस परिधि तक की दूरी या त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, आयत में यह 6 सेंटीमीटर है तो यह जो है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा, यह 8 सेंटीमीटर है तो यह 8 सेंटीमीटर होगा। कहीं आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए कि यह 5 सेंटीमीटर कैसे दे रखा है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है त्रिज्या की। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पहले हम बड़े वाले को क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से अंदर वाले को घटाते हैं, तो बाहर का वृत्त है तो वृत्त पहले लिखेंगे, अंदर में आयत है तो अंदर इसे घटा लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पाई का मान 22/7 है, आर का मान यहाँ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 होगा। आयत की बात करें तो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो 8 × 6 होगा। देखिए यह नहीं कटेगा, 22 × 5 है तो 110, 110 × 5 है तो 550, 550/7 भागा 8 × 48 हो जाएगा। 550 को 7 से भाग कीजिएगा तो आएगा 78.57, घटा देना है 48। अब 78 में से
78.57 में 48 को घटाइएगा तो आएगा 30.57, तो 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न संख्या 10 के सभी हल। इसी के साथ पाठ 21 समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 22। धन्यवाद।